आगे बढ़ते हैं। आज राजस्थान पुलिस दिवस है और जयपुर के राजस्थान पुलिस एकेडमी में हुए समारोह में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शिरकत भी की और परेड की सलामी ली। सीएम अशोक गहलोत ने पुलिस स्थापना दिवस के मौके पर माफिया को चेतावनी भी दे डाली और कहा या तो जल्द ही सरेंडर कर दे, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। माफियाओं के इरादों को नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। पिछले एक महीने से राजस्थान पुलिस ने नहीं झुकेगा के तरीके से काम किया है और अपराधों में कमी भी दर्ज की गई। फिल्म पुष्पा के फेमस डायलॉग झुकेगा नहीं को मंच से दोहराया। सीएम अशोक गहलोत ने महंगाई बेरोजगारी को बड़ी चुनौती बताया। साथ ही मीडिया से बातचीत में अतीक अहमद और अशरफ अहमद की हत्या पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है वो देश देख रहा है। कानून का राज नहीं रहेगा तो घटनाएं किसी के भी साथ हो सकती है। यूपी में हुआ जो भी वो आसान है लेकिन कानून व्यवस्था को बनाए रखना मुश्किल है। वर्ष 1949 में 20,000 के पुलिस बल के साथ चलते हुए हमने राज्य की विकास यात्रा में शांति व्यवस्था एवं अमन चैन बनाए रखने का सफल प्रयत्न किया है। इस लंबी यात्रा में अनेकों उतार चढ़ाव आए, उनको पार करते हुए आज 1,12,133 पुलिस अधिकारी कर्मचारियों की संस्था ने स्वयं को देश में महत्वपूर्ण एवं उत्कृष्ट पुलिस बल के रूप में स्थापित किया है। हमारा सौभाग्य है कि अनेकों इतिहास रचते हुए हम आज का 74वां पुलिस दिवस हर्षोल्लास से मना रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सेना के साथ समन्वय हो या आंतरिक भूभाग की चुनौतियां हो, सजग प्रहरी के रूप में राजस्थान पुलिस बल ने अपनी महती भूमिका का बखूबी निर्वहन किया एवं हर मोर्चे पर सफलतापूर्वक कार्य किया है। ये आप जानते ही हो और देश में आज जो माहौल बना हुआ है वो बहुत चिंताजनक है। अगर चिंता प्रदेशवासियों देशवासियों नहीं की तो भुगतना हम सबको ही पड़ेगा। सरकार किसी पार्टी की हो, अगर उसमें जो संविधान की मूल भावना के अनुरूप काम नहीं करती है, लोकतंत्र की मूल भावना के अनुरूप अगर बिहेव नहीं करती है तो देश को भुगतना पड़ता है। आज धज्जियां उड़ रही है संविधान की और लोकतंत्र की, चिंता का विषय है। पर समय तो रोक दिया गया, उनको सबक सिखा दिया गया, आगे भी सिखाया जाएगा। राजस्थान में पुलिस का इकबाल बुलंद है, अच्छा काम कर रहे हैं और जो कुछ भी घटनाएं होती है वो तो हिंदुस्तान भर में क्या दुनिया में होती है, हमें उनसे मतलब नहीं। दुनिया में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, हम तो चाहते हैं राजस्थान में क्राइम पे लगाम लगी रहे, क्राइम पे लगाम लगी रहे, कोई ऐसे पैदा ही नहीं हो जो गैंगस्टर हो। गैंगस्टर पैदा होने क्यों दे जाए? और आज मान लो यूपी होता तो गणेश शेखावत जेल के शिकारियों बंद होता। तो राजस्थान इसलिए हमारी परंपरा नहीं है, हम चाहते न्याय मिले, न्याय दिखना भी चाहिए। इसलिए SOG हो या पुलिस हो, हमारी कार्रवाई स्टेप बाय स्टेप चलती है, वरना कभी इसको अंदर धर देते। ये तो जो मुजरिम पकड़े गए हैं उसे इक्वल मुजरिम ही है, ये अंदर बंद हो सकते थे, ये सोचना चाहिए। यूपी में जो है जो कुछ हो रहा देश देख रहा है, देश देख रहा है। कानून का राज नहीं रहेगा तो घटना किसी के साथ हो सकती है। कानून के अंतर्गत ही सब कार्रवाई होगी, तब जाके देश में कानून व्यवस्था कायम रहेगी, देश एक रहेगा, अखंड रहेगा, सभी जाति धर्मों के बीच में कॉन्फिडेंस रहेगा। मेरा मानना है कि वो तरीका है, ये तो बहुत आसान काम है जो यूपी में हो रहा है, बहुत आसान काम है। पार्टी बोलते समझ में आता है कि कंसर्न फील करे राजस्थान से, उनको कोई कंसर्न नहीं, ना मोदी जी को ना उनको, उन्हें चुनाव जीतना है, चाहे हिंदू मुस्लिम कर दो, चाहे आप लोगों को भड़काओ, कुछ भी करो, ये उनका धंधा है। और आप देख लो उनका मॉडल मोदी जी का और अमित शाह का, चुनी सरकारों गिराएंगे हॉर्स ट्रेडिंग करके, कर्नाटका महाराष्ट्र गोवा मणिपुर क्या क्या नहीं हुआ यहाँ पर, और राजस्थान में भी पूरी ट्राई कर ली, वो पैसा बांटा भी तो पहले वापस नहीं लिया है। हमारे 4 साल में 76,000 करोड़ रुपये केंद्र सरकार ने रोक दिए। 76,000 करोड़ किसे कहते हैं आप सोच सकते हो? अगर वो 76,000 करोड़ में मिलते वो पैसा किसके काम आता?
यहाँ की विकास में लगता, लोग कर्णगर योजना हमने बने और अधिक बनाते हम लोग महंगाई के जमाने के अंदर। 6000 करोड़ रुपये किसे कहते हैं, अब पता नहीं साल कितने रोकेंगे। उस पर ध्यान नहीं लोगों का, गवर्नेंस पर ध्यान नहीं है। हमारा ध्यान गवर्नेंस पर है।